कालशेखर हॉस्पिटल के रास्ते से रात दिन डंफर चलने से स्थानीय रहवासियों में नाराजगी। रेहान पित्तलवाला उनके सहयोगियों के साथ डंफर की आवाजाही पर लगाया रोक। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। जब से एरोली कल्याण एलिवेटेड कॉरिडोर यानी टनल का काम किया जा रहा है, ये एक बड़ा काम है। इससे आम जनता को आने वाले दिनों में बड़ी राहत होगी। लेकिन इसी मार्ग से लगकर रिहायशी इलाका है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है, जहां पर जो है कई सोसाइटियां हैं, छोटे बड़े बच्चे आम आवाजाही करते हैं और ऐसे में इसी रास्ते से डंफर रात दिन चल रहा है, जिसके चलते स्थानीय रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इनके पास अल्टरनेट रास्ता है, फिर भी डंफर स्कूली रास्ते से ही चला रहे हैं, जिसको लेकर रेहान पित्तलवाला ने अपने समर्थकों के साथ डंफर पर रोक लगाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कई बार बच्चे बाल बाल बचे हैं तो कई बार घटना भी सामने आया है। सुनिए स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले में। ऐसा ये हालत में आप लोग यूज नहीं कर सकते। एक एक दिन के अंदर 500 गाड़ी डे नाइट चलता है आपका, पूरी रात गाड़ी चलता है आपका, पूरे लोग उधर पे परेशान है। ये सब ये बिल्डिंग के लोग है, पूछिए इनसे। ठीक ही बात है, एक बार ये लोगों का ग्रीवेंसेस आपने एड्रेस किया क्या कि भाई क्या तकलीफ है तुमको, आपके तरफ से कंपनी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया पूछने के लिए? आज आए ना सर, आज आज डंपर बंद हुआ इसके लिए आप आए। छोटी सी बताइए साहब, इधर पे स्कूल है, कल एक डंपर का टायर फटा, बच्चे के सर पे मार लगा, कल एक डॉक्टर का गाड़ी पूरा डंपर ने स्मैश करके चला गया। स्कूल इधर, हॉस्पिटल इधर, कॉलेज इधर, चार चार पाँच पाँच सोसाइटी। या तो मेरे को आप बताइए कि इतनी बार पाइप टूटा, पानी का टूटा, ड्रेनेज का टूटा, सीवेज का टूटा, आपने एक बार तो भी रिपेयर किया क्या उसको? ऐसा नहीं होता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना पड़ेगी। बारिश में आपकी कंपनी ने हमारे से रिक्वेस्ट करी सारे लोगों से कि बारिश में उधर कीचड़ हो जाता है, बारिश के अंदर ऐसा स्लैंड है, सुनो ना मेरी बात पूरी होने दो, कि ट्रक गिर सकता है, स्लाइड हो सकता है, जान का माल का नुकसान है। हमने पूरा बारिश बर्फ प्रभाव के अंदर मैंने चार बार रोड बनाया, एक बार उधर पे कालशेखर स्कूल का CBSE स्कूल का रिपेयरिंग था उसमें बनाया, आज रोड की आप हालत देखिए। अगर आपको यूज़ करना है तो इसको पूरा कॉन्क्रीट कालशेखर हॉस्पिटल तक बना के दीजिए, स्कूल तक के फिर आप यूज़ करिए। क्या दिक्कत आती है? अरे दिक्कत तो यहाँ पे इतनी आती है कि अभी रास्ता पार करने के टाइम पे इतनी तकलीफ हो गई। मैं जा रहा हूँ नमाज को, हवलदार नहीं रहते, हवलदार सवाल ही नहीं पहले होता, भूते लोग है ये, देखो छोड़ रहे बच्चे ऐसे को, ऐसा ऐसा रास्ता पार करते, कितनी तकलीफ है, सीढ़ी लगा के रखा, सीढ़ी में गिरते गिरते। अच्छा, आप कहाँ रहते? हॉस्पिटल के बाजू की बिल्डिंग में रहता हूँ। बाजू के बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ से क्या रोज आता है और जाता है? आप दिन में 5 टाइम नमाज को जाता आता हूँ मैं, नहीं ठीक है, बच्चों को अरबी लेके जाता हूँ, वो एक तकलीफ है। नहीं, ये यहाँ पर अंदर बच्चों के स्कूल भी है, कॉलेज। अरे स्कूल कॉलेज के पहले से मैं बोलते आया हूँ, ये जो पत्थर लेके जा रहे हैं ना गाड़ी भर भर के। अच्छा, ये जो गाड़ी अभी गई, हाँ अभी गई, ये पत्थर कम करो, पत्थर गिरेगा बच्चे लोग, फिर बाद में कॉलेज चालू हो गए तो थोड़ा कम किया उसने, ये तो इतना पत्थर बढ़ता है कि एक झटका लगा के पत्थर। ये कितने दिन से चालू है ठीक इसी तरह? अरे 6 महीने से चालू है ये पत्थर ले जाने का, पत्थर ले। और कितने पत्थर गिरते हैं, मैं और मेरा नवासा, हम लोग दोनों पत्थर उठाते उठाते जो है ना सेट में करते करते जाते हैं। लेकिन ये जो डंपर मुस्तकिल चल रहे हैं, दिन रात चलते रहते हैं, उसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ, पानी की लाइन रोज यहाँ पे फूटती है और उसकी वजह से अच्छा खासा आप सुबह के वक्त अगर आके देखेंगे तो स्कूल जो जाते हैं बच्चे यहाँ तक पानी भरा हुआ रहता है। देखिए अभी कोने में पानी आपको दिखेगा, वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी, मतलब वहाँ से बह के यहाँ तक आ जाता है, तो इतनी ओवर लोडेड गाड़ियाँ रहती हैं। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, दुर्घटना भी हो सकती है? जी हो सकती है, और कल हुई जैसा रेहान भाई ने बताया, बच्चे के ऊपर लगा पत्थर। अच्छा। और ये लोग इतना तेज रफ्तारी से चलाते हैं, जब क्रॉस करते हैं दूसरे कोर्ट, अभी ये भाई बताएंगे कि जो ये पहली विंग में रहते हैं, तो ये चैम्बर को तोड़ दिया उन्होंने। ये डंपर जो पत्थरों से भरा होता है? जी जी भरा होता है, जाने के टाइम तो भरा होता है, जब वापसी होती है तो खाली रहता है, मतलब वहाँ से जो पत्थर निकल रहे हैं उन्हीं को लेके दिन रात, मतलब कोई टाइमिंग नहीं है, 24 घंटा मुस्तकिल चालू। रातों में भी अगर आँख खुल जाए, अगर किसी की नींद अगर कम है तो उसका तो सोना बहुत मुश्किल है।